नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी अपनी उंगलियों के टेढ़ेपन से परेशान हैं? ये टेढ़ापन आ सकता है आपकी स्वैन नेक डिफॉर्मिटी की वजह से। जी हाँ, ये एक ऐसी डिफॉर्मिटी है जिसके अंदर हमारी फ्रंट की जो हड्डी है उंगली की, वो हमारी फ्लेक्स हो जाती है कुछ इस तरीके से, और सेकंड वाली हमारी एक्सटेंड हो जाती है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, और कई बार हमारी थर्ड वाली डिजिट भी एक्सटेंड हो जाती है। ऐसा हो सकता है आपके एक्सटेंसर मसल की इनबैलेंस की वजह से कोई डायरेक्ट ट्रॉमा लग जाए, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। अगर आपको प्रीवियसली लकवा रह चुका है तो वो भी इसका एक कारण बन सकता है। इसके अलावा अगर आपको गठिया है तो उसके कारण भी आपको ये डिफॉर्मिटी आ सकती है। सो आज आपको इसका सिंपल सिंपल ट्रीटमेंट बताऊंगा कैसे आप इसको एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हैं। एक्सरसाइज से पहले हमें इसको रिलीज करना है, इसको लूज करना है, ताकि ये अच्छे से एक्सरसाइज इसकी हम कर पाए। इसके लिए सबसे पहले हमें हॉट वाटर यूज करना है। इसके लिए प्रॉपर प्रोसेस मैंने एक वीडियो के अंदर बताया हुआ है, जिसका लिंक मैं आई बटन के ऊपर दे रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे रहा हूँ, और उसको जाकर जरूर देखिएगा। लेकिन अगर आपको गठिया की प्रॉब्लम है तो आप हॉट वाटर इसके अंदर यूज नहीं करेंगे, इसकी जगह पर आप ऑयल यूज कर सकते हो। कोई भी ऑयल से आप इसकी हल्की हल्की मसाज कर सकते हो। थोड़ा गर्म ऑयल लेंगे तो इससे थोड़ा ये सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज करनी है। याद रहे कि आपकी ये उंगली अगर इस तरीके से फ्लेक्स है तो हमने इसकी एक्सटेंशन करनी है। वो आप किस तरीके से करेंगे, कुछ इस तरीके से। इस पोजीशन को ध्यान से याद रखिएगा। ये देखिए, यहाँ पर हमारी फ्लेक्शन थी, हम इसकी एक्सटेंशन कर रहे हैं, और कुछ इस तरीके से हमने इसको करना है। इससे दो चीजें हो रही हैं, एक तो ये जॉइंट हमारा अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, और एक ये भी हमारा अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ये काफी अच्छी एक्सरसाइज है आपकी इस फिंगर को खोलने के लिए। सो इसको इस तरीके से आपने परफॉर्म करना है। इसके बाद बात करते हैं हमारी सेकंड एक्सरसाइज की। सेकंड एक्सरसाइज के अंदर ये जॉइंट हमारा जो है वो हाइपर एक्सटेंशन में चला जाता है, तो हमने इसको यहां से पकड़ना है। पकड़ने के बाद आपने कुछ इस तरीके से फिंगर को फ्लेक्स करना है। जी हाँ, इस तरीके से फिंगर को फ्लेक्स करना है। होल्ड फॉर 10 सेकंड, 5 to 10 रेपिटेशंस कर लेने हैं। इसके बाद बात करते हैं हमारी थर्ड एक्सरसाइज की। थर्ड एक्सरसाइज के अंदर हमने फिंगर की इस तरीके से फिस्ट बनानी है। इसको इस तरीके से क्लोज करके फिस्ट बनानी है। इससे प्रॉपर आपके हैंड की मोबिलाइजेशन हो जाती है। तो इसके अलावा आप हैंड की या फिंगर की एक स्प्लिंट भी यूज कर सकते हैं इसको सीधा रखने के लिए। तो ये सारा ट्रीटमेंट करके आप अपनी स्वैन नेक को बिना किसी सर्जरी के ठीक कर सकते हैं। अगर आपके भी किसी दोस्त को इस तरीके की प्रॉब्लम है तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।